दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। देखिए, अभी अगर हम करंटली कोल इंडिया का प्राइस देखें तो 146.50 यानी कि ऑलमोस्ट 147 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है। और मैंने आपको कहा था 112 रुपीज़ पे कि ये खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ही ये 160 पे पहुंचा था, वहां पे मैंने आपको कहा था बेचने के लिए। और अभी मैं कह रहा हूँ, अभी आप यहाँ पे अपना 50% पोर्टफोलियो बेच भी सकते हैं। अगर आपको पैनिक हो रहा है थोड़ा सा, 50% आप बेच सकते हैं। अगर नहीं बेचना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आने वाले समय में ये काफ़ी ऊपर हमें दिखेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप में पेशेंस होनी चाहिए क्योंकि आने वाले सालों में ये काफ़ी ऊपर हमें दिखेगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जो ही हम कोई नया स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल कोई मकान बनाते हैं, तो जो ही वहाँ पे काम चल रहा होता है अभी, तो हमें वो बकवास लग रहा होता है, ठीक है। जो ही अभी बाहर बाहर से काम चल रहा होता है तो हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या है, कचरा है, वो ये। लेकिन जो ही वहाँ पे हम इंटीरियर्स लगाते हैं, बाकी चीज़ें लगाते हैं, तो हमें यकीन, हमें पता चलता है कि क्या यार कितना अच्छा मकान बन गया, ठीक है। उसी हिसाब से अभी जो है कोल इंडिया काफ़ी तेज़ी के साथ एक्सटेंशंस कर रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सटेंशंस कर रहा है और उन चीज़ों में एक्सटेंशंस कर रहा है। देखिए, एक होता है एक्सटेंशंस वो फजूल चीज़ों में, ठीक है, लेकिन ये उन चीज़ों में एक्सटेंशंस कर रहा है जो इसका फ्यूचर बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगी, जो इसको फंडामेंटली भी स्ट्रांग बनाएंगी और फाइनेंशली भी स्ट्रांग बनाएंगी, इकोनॉमिकली भी हर तरीके से इसको स्ट्रांग बनाएगी। क्योंकि ये पहले ही अच्छी कंपनी है, ये अभी भी कोई खराब कंपनी नहीं है, ठीक है, एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, ठीक है। देखिए, अभी एक न्यूज़ आ रही है कि ऑक्सीजन प्लांट्स, 25 ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए उन्होंने अपना फंड जो है दिया है, यानी कि 25 ऑक्सीजन प्लांट्स उनको पूरे इंडिया में इन्होंने कहा है कि हम डेवलप करेंगे या एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही तेज़ी की तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एनर्जी, तो वह है सोलर, ठीक है। सोलर की तरफ ये बहुत ही तेज़ी के साथ धड़ाधड़ी इन्वेस्टमेंट्स उसमें कर रहा है ये। और इनके जो MD है, उन्होंने खुद कहा है कि ये जो है हम अब धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे जो कोल है, कोल क्योंकि कोल का फ्यूचर नहीं, ऑलमोस्ट 90 जो है 90 कम फैक्ट्रीज इनकी जो है, जो 90 प्लेसेस में इनकी थी, उन्होंने बंद कर दी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो प्लांट्स को हम कह सकते हैं प्लांट्स, 90 प्लांट्स जो है वो उन्होंने बंद कर दी है पहले ही। और जो इन्होंने कहा है, जो इनके MD है या CEO है, उन्होंने खुद कहा है, हम कहेंगे कि उन्होंने खुद कहा है कि हमें जो हमारा फ्यूचर है वो कोल के साथ बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोल का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, चलिए 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, मैक्सिमम 10 साल, 10 साल के बाद कोल का कोई भी फ्यूचर नहीं है। यही उन्होंने भी कहा था, ठीक है, यही उनके MD ने भी कहा कि इसलिए हम धीरे धीरे अब शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा, मैक्सिमम फोकस उन्होंने कहा कि हम सोलर की तरफ रखेंगे, ठीक है, ध्यान। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल ये खाली कोल के साथ डील करता ना, तो इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे, मतलब कोई शक ही नहीं था उसमें, इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने वाला था, ठीक है, बिल्कुल डूबने वाला था यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा, अगर ये एक्सटेंशंस नहीं करते सोलर की तरफ या बाकी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। क्योंकि कोल का, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोल का बिल्कुल भी कोई फ्यूचर नहीं। आप खुद ही देखिए, आज के बाद 10 साल, आप देखिए आज से पहले 10 साल कितना यूज़ होता था कोल, और आप देखिए आज कितना कोल यूज़ होता है, यानी कि फ्यूचर कोल का है ही नहीं बिल्कुल, अभी ना के बराबर कोल यूज़ होता है, ठीक है। अब आने वाले समय में तो बिल्कुल कोल कोई यूज़ करेगा ही नहीं, जैसे पेट्रोल वगैरह यूज़ कम जो है यूज़ उसकी यूसेज जो है वो कम होती हुआ हमें दिख रही है फ्यूचर में, ठीक है, वैसे ही कोल तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अगर हम देखें तो जो कोल इंडिया है बहुत ही ज़बरदस्त एक्सटेंशंस कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले सालों में अगर हम देखें तो इसका शेयर प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, बहुत ही कमाल का इसका शेयर प्राइस। देखिए, लेकिन आप में इसमें इसके लिए पेशेंस होनी चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो रहा है तो आप अपना 50% जो है पोर्टफोलियो में स्टॉक बेच दीजिए, लेकिन जो है बाकी 50% आप रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अभी काफ़ी ऊपर जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा है कि इसने 2 कंपनीज बनाई है, ठीक है, 2 कंपनीज नहीं बनाई है अपनी तरफ से, काफी बड़ी कंपनीज है वो, एक सिर्फ सोलर एनर्जी के लिए उन्होंने बनाई है और दूसरी जो है उसमें सारी जो है सारी जो हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए दूसरी कंपनी बनाई है। देखिए, आप खुद ही देखिए सोलर पे इनका कितना फोकस है, 2 कंपनीज कोल इंडिया ने नहीं बनाई है अपनी तरफ से उसमें, और वो बड़ी कंपनीज है, यानी कि छोटी कंपनीज है, उसमें एक जो है वो सिर्फ सोलर के लिए काम करेगी, ठीक है, सोलर एनर्जी के लिए वो काम करेगी, और जो दूसरा है वो सारी रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए एक्सेप्ट सोलर के लिए काम करेगी, ठीक है, सोलर को छोड़ के बाकी सारी रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए वो दूसरी कंपनी ने एस्टैब्लिश की है। तो अब आप देख सकते हैं कितना सीरियस यहाँ पे कोल इंडिया है रिगार्डिंग एक्सटेंशंस, ठीक है।
बात करें डेट की तो इस पे ऑलमोस्ट ना के बराबर डेट है। और वहीं अगर हम देखें रेवेन्यू, हम देखें रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे जबरदस्त तरीके से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बुक वैल्यू इंप्रूव होता हुआ हमें दिख रहा है। और प्लेज की बात करें तो एक भी ये शेयर इनका गिरवी नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा इन पे कोई भी कर्जा नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर कर्जा है, ना के बराबर, ठीक है। देखिए हाँ, अब यहाँ पे मैं बता दूं प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपको यहाँ पे जो है इसका शेयर प्राइस थोड़ा सा गिरता हुआ दिख सकता है। 130 रुपीज के ऑलमोस्ट यहाँ पे आसपास यहाँ पे जो है आपका शेयर प्राइस गिर सकता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है सबसे पहले, क्योंकि ये काफी ऊपर जाएगा। देखिए पहले फॉर एग्जांपल अगर खाली कोल के साथ करता डील तो हमें यहाँ पे घबराने की जरूरत थी, ठीक है, अब यहाँ पे घबराने की जरूरत थी। लेकिन 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 अब इन्होंने, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे एक्सटेंशन किए हैं और इनके जो MD है, CEO है, उन्होंने खुद कहा है कि हम धीरे धीरे कोल का बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, तो यानी कि ये कोल से दूर जा रहे हैं, और जो काफी अच्छी बात है एज फार एज इन्वेस्टर्स आर कंसर्न। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, काफी अच्छा ये शेयर है। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कोल इंडिया की हिस्ट्री देखें तो जो ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है तो ये काफी नीचे चला जाता है। जैसे कि मैंने कहा 130 तक, ऑलमोस्ट 130 के आसपास हमें ये जाता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। और एक नेगेटिव न्यूज ये भी है कि म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज की हुई है। देखिए अगर हम एक महीने की बात करें तो काफी अच्छा रिटर्न ने दिया है। और वहीं देखिए जैसे कि मैंने कहा 25 ऑक्सीजन प्लांट्स इनको करने, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इन्होंने कहा है कि हम सेटअप करेंगे, 35 करोड़ रुपीज उसकी टोटल लागत रहेगी, ठीक है। अगर हम देखें आज दिन की रेंज तो 146.05 लोवेस्ट चला गया था और 152.40 हाईएस्ट चला गया था, यानी कि 6 रुपए की ऑलमोस्ट यहाँ पे डिफरेंस रही है। और 52 रेंज की बात करें तो 109 रुपीज लोवेस्ट चला गया था और 163 रुपीज हाईएस्ट चला गया था। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे जबरदस्त ट्रेड हो रहा है, ठीक है। देखिए ये कोई 5 रुपए, 10 रुपए या 1 रुपए का स्टॉक नहीं है, ठीक है, ये पूरे 150 रुपए का स्टॉक है ऑलमोस्ट, फिर भी यहाँ पे इतना जबरदस्त वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ हमें दिख रहा है। 2 करोड़ 10 लाख 40,743, यानी कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे ट्रेड हुआ है आज के दिन वॉल्यूम, जिसमें कि डिलीवरी 44% उठाई गई है। देखिए अगर किसी स्टॉक में 25% भी डिलीवरी उठाई जाती है तो वो स्टॉक जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि खरीदने के लिए, ना कि बेचने के लिए, वो स्टॉक रिकमेंड किया जाता है आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए जहाँ पे 25% डिलीवरी होती है। यहाँ पे कितनी डिलीवरी है, 44%। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं आपको यहां पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये वापस प्राइसेस ऊपर जाएंगे। यहां पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम अभी चल रहा है तो बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को एक्युमुलेट यहां पे करना है वो कर रहे हैं एक्युमुलेट यहां पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा 52 वीक हाई अगर हम देखें तो इसी साल आया था 26 फरवरी को, और 52 वीक लो की बात करें तो पिछले साल आया था 109 रुपए का। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो 90,253 करोड़ है, और वहीं अगर हम देखें 52 वीक लो से कितना दूर है, 36%, और अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 9% की दूरी पर है। कोल इंडिया की बात करें तो अगर अपने एक महीने पहले कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया होता तो 18% का रिटर्न मिल चुका होता, वहीं अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो 5% का पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका होता। टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो वेरी बुलिश है, और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में इसने कभी किसी को लॉस नहीं दिया है। जैसे कि मनी कंट्रोल के हिसाब से हम देखें तो 78% बाय, 17% सेल एंड 5% होल्ड, यानी कि कुल मिला के 83% आपको कह रहे हैं बाय एंड होल्ड। मेरे हिसाब से भी आपको यहाँ पे बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर एग्जांपल पैनिक हो रहा है यहाँ पे तो आप 50% अपना स्टेक जो है बेच दीजिए, लेकिन 50% आप बिल्कुल नहीं बेचेंगे, यानी कि अगर आपके पास 10 है तो 5 आप बेचेंगे, 5 आप बिल्कुल नहीं बेचेंगे। डिविडेंड की बात करें तो 2020 में कोरोना काल के बावजूद भी इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, और 2021 की बात करें तो पिछले एक महीने पहले ही इसने मार्च में ही 1 बार डिविडेंड दिया है। फिलहाल प्रमोटर्स के पास बहुत ही अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, 66%, और वहीं अगर हम देखें FIIs के पास 6.5% है, और DIIs के पास 22%, और पब्लिक के पास यहाँ पे कम परसेंटेज है, जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी पास और DIIs के पास ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे रखी हुई है। और देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जो है वो बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं करते हुए हमें दिख रहे हैं। इन द एंड मैं इतना ही कहूंगा कि काफी अच्छा स्टॉक है, स्टेबल स्टॉक है, आपको ये अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाएं और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।